Morning everyone, hope so that you all are fine at your house. So today we are going to start with the exercise of our chapter number 5, the early umpire. And in this we are starting with the tick the correct option. So sabse pehla hai, the king's chief king, queen and Mahishi played an important role in the तो किसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन अश्वमेघ सेक्रीफाइस. सेकेंड वन इज टोटल नंबर ऑफ महाजन पदार्थ वेर. तो टोटल कितने महाजन पदार्थ थे, देर वेर 16. द किंग्स शेयर वॉज फिक्स्ड ऑन द 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, इट वॉज कॉल्ड शतभागा. क्या उसे कहा जाता था, इट वॉज नोन एज एन शतभागा. नंबर फोर्थ वन इज द ग्लैंड्स ऑफ मर्चेंट्स वेर कॉल्ड, तो वो क्या कहे जाते थे, शर्नीस, दे वेर नोन एज एन शर्नीस. फिफ्थ वन इज द लिचवीज वेर फॉलोड बाय, वो किसे फॉलो करते थे, दे वेर फॉलोइंग द बुद्धास. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड 600 BCE पीपल लर्न द टेक्निक ऑफ पेडी ट्रांसप्लांट. यस इट्स ट्रू. बिंबिसारा फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी. नो फॉल्स. बिंबिसारा फाउंडेड द हरियंका डायनेस्टी, नॉट नंदा डायनेस्टी. थर्ड वन इज द वाजी कॉन्फेडरेसी कंसिस्टेड ऑफ 4 क्लेन्स. नो, दे कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लेन्स, नॉट 4 क्लेन्स. फोर्थ वन इज द अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ द मगधा वॉज अंगा. नो, द अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वॉज गिरिव्रज और राजगिरा. फिफ्थ वन इज आत्मीय वॉज वेर द सोल्जर्स हु असिस्टेड द किंग. नो फॉल्स. आत्मीय वेर द ऑफिशियल मिनिस्टर्स हु एसोसिएटेड किंग्स, दे वेर नॉट सोल्जर्स, दे वेर द मिनिस्टर्स. Moving to the question number 3, answer the following in one sentence. The first one is, how did the republics differ from the monarchies? So, the monarchical Mahajan Pradas jo the, they were ruled by the individual kings. And the republics on the other hand were ruled by the group of people. So, this was the difference between monarchies and republics. सेकेंड वन इज नेम सम इम्पॉर्टेंट महाजन पदार्थ. सो यहाँ पर हम थोड़े से महाजन पदार्थ के नाम ले रहे हैं, लाइक पातृपुत्र, राजगिरा, वैशाली, तक्षशिला, भृगुकाचा एंड सुपारा. थर्ड वन इज व्हाई डिड द रूलर्स ऑफ द महाजन पदार्थ इंट्रोड्यूस टैक्सेशन. उन्होंने टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया बिकॉज द दे हैव टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द किंगडम. किंगडम के एक्सपेंसेस उनसे इतने ज़्यादा हो रहे थे दैट दे वर नॉट बीन फुलफिल्ड बाई देम ओन सेल्फ. सो वॉट दे स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड द टैक्सेशन. मूविंग टू द फोर्थ वन, हाउ डिड बिंबिसारा एक्सपांड एंड स्ट्रेंथन दिस एम्पायर. तो बिंबिसारा ने क्या किया, मेड द मगध अ वेरी पावरफुल किंगडम बाई द वेरियस मेथड्स, लाइक ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ द अदर किंगडम्स और उनके भी किंगडम्स को उन्होंने कवर कर लिया, कॉन्कर कर लिया. उन्होंने ट्रेड को एंकरेज किया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया एंड ही यूज आयरन फॉर मेकिंग weapons. Moving to the fifth one, who was Ajatashatru sent to weaken the Lichavis by sowing seeds of and dissensions. Ajatashatru ne kise bheja, he sent his minister Vaskara to secretly weaken the Lichavis by sowing the seeds of the dissenters among them. Moving to the answer the following in brief. How did some king begin to recognize as kings of Japadas? How did the ritual help the kings in finding the larger territorial states? तो जो king थे वो लोग बहुत बड़े बड़े sacrifice करने लग गए. Gradually धीरे धीरे वो recognize हो गए as the king of the Japadas and rather than the Janas. Janas की जगह पर वो Janapadas के king consider होने शुरू हो गए थे. और Janapadas were literally the foothold of the Janas. Janas के foothold कौन थे, Janapadas. Like the territories where the Janas or the tribes settled down or resided, the Janas or the tribes became the identified as a particular territories. वो एक territories बन गए. Rajas of the Janas became the king of the kingdom of the Janapadas. मतलब जो पहले हमने fourth chapter में पढ़ा था Rajans, तो जो Rajans थे वो अब बन चुके थे king of the Janapadas. Second one is, what factor led to the growth of the trade in the period and how was it carried out?
तो उस टाइम पर दी लार्ज पार्ट वेयर बीन फोकस्ड ऑन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उनमें से जो हमें टैक्स मिल रहा है ऑन दैट वन सम ऑफ इट वर ऑल्सो ट्रेड इन टू दी अदर कम्युनिटीज एंड दस देर वेर द इंक्रीज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो कंटिन्यू हुई टिल सिक्स सेंचुरी द गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे बाई क्राफ्ट पीपल दे वेर बीन कैरिड आउट बाई द लॉन्ग डिस्टेंस बाई द मर्चेंट्स एंड दे वेर ऑल्सो ट्रेवल्ड बाई द कार्ट्स दे वेर सेल्ड इन द रिवर्स दे वेर सेंड टू द मेनी अदर सिटीज विच वेर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स एंड दे हैव ऑल्सो बीन यूज लाइक एंड पंच मार्क्ड कॉइन्स एज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो हम पंच मार्क कॉइन्स ले रहे हैं और अगर हम गुड्स ले रहे हैं तो हम पंच मार्क्ड कॉइन्स दे रहे हैं Moving to the third one, discuss the Varna system practiced by the Janapadas and Mahajanapadas. The system of the Varnas, उसके अंदर क्या होता था लोगों को चार वे में classify किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यवास एंड शूद्रास जो हमने ऑलरेडी चैप्टर फोर में देखा था However, ये बहुत इट वॉज नॉट नो लॉन्गर स्किल बेस्ड वो हेरिडेटरी बन गई कि अगर मर्चेंट का कोई सन है तो वो मर्चेंट का ही वर्क करेगा बाकी सबको भी वर्ना सिस्टम के हिसाब से ही फॉलो करना है मीन्स उनके पापा जो भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं वही ऑक्यूपेशन उन्हें फॉलो करना है इट्स वेरी कंपल्सरी सब वॉरियर्स और किंग फेल्ट दैट दे वेर सुपीरियर टू द प्रिंस बहुत सारे किंग्स और वॉरियर्स ऐसा समझते थे कि हम प्रिंस से भी बहुत ऊपर है एंड अदर ऑब्जेक्टेड टू द बर्थ इन द सर्टन कम्युनिटीज बींग डिसाइड फैक्टर्ड ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द वर्नास मतलब जो लोअर थे वो लोअर होते गए जो हायर थे वो हायर बनते गए Question number 4. Why was the period between 600 BCE to 300 BCE a period of a religious turmoil? So it was the period between 600 to 300 BCE was a religious turmoil and change. Like in this stage, mein, Brahmins jo the, they began to dominate their religious practices. Wo encourage kar rahe the by the complex rituals, elaborate sacrifices and expensive ceremonies. And the Varna systems. Aur wo kya kar rahe the? They were emphasized the sanctity of Vedas. People धीरे 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 dissatisfied हो रहे थे अपने religious opinions को लेकर दो नए रिलीजियंस आ गए थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म विच डू नॉट कन्फर्म टू द ब्राह्मिकल प्रिंसिपल्स एंड बिकेम पॉपुलर अगर आपको ये रिलीजन फॉलो करना है देन यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट थिंग्स यू कैन मतलब नॉर्मली आप उसे फॉलो कर सकते हो और इसीलिए ये ज्यादातर पॉपुलर होते गए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म Fifth one is what factor helped Magdha to emerge as the strongest Mahajanapadas and eventually into an empire. Magdha jo tha wo located tha at a river Ganga and Sons and water wahan par available tha for drinking, cultivation and transportation. Magdha pe ke paas bahut hi large deposit tha iron ore ka. Wo agricultural implements banate the uske andar aur weapons bhi banate the wars ke liye. Unke paas forest bhi tha jahan se wo woods le sakte the, elephants milte थे उन्हें और ये सारी चीजें इनवैल्यूएबल थी मगध के लिए मतलब दिस वेर वेरी वैल्यूएबल Magdha also had profitable trading networks with other regions. Magdha का जो मतलब कि जो trading networks थे वो भी बहुत ज़्यादा strong थे और ये सारे factors उन्हें help करते थे as to become the strongest Mahajanapada और धीरे धीरे फिर वो उन्होंने एक empire set कर दिया था अपने लिए Moving to the answer the following in detail. The first one is write a note on the Janapadas and Mahajanapadas. So king जो बड़े बड़े sacrifices करते थे धीरे धीरे recognize हो गए as the king of Janapadas. Janapadas जो था वो actually foothold था of the Janas. जैसे कि कोई भी territory के Janas वहाँ पर आए और settle down हो गए And they were then known as the territories और Rajans जो थे वो बन गए kings of the Janapadas. लेकिन आफ्टर दैट दी सेवरल जानपदास वेर नेम्ड बाय दी ट्राइब्स एंड जानास जो वहाँ पर रह रहे थे इन 600 बीसी बहुत सारे जानपदास बिकेम बहुत बड़े दे बिकेम मोर बिगर एंड मोर पावरफुल और फिर वो बन गए इनटू अ लार्ज पॉलिटिकल एंटाइज विच वेर नोन एज एन महाजनपदास मीन्स द ग्रेट किंगडम्स और सब महाजनपदास थे वो लोग दे वेर रिपब्लिक्स एंड गंगा संघ एंड विच वेर गवर्न्ड बाय दी काउंसिल्स
Now moving to the second one, how did the agriculture evolved in the period of Janpadas and Mahajanpadas? The agriculture जो था वो उस time के लोगों का main occupation था. It was the income from the agriculture जो monarch एंड रिपब्लिकन स्टेट्स का फाउंडेशन था कि उन लोगों को अगर कोई भी किंगडम चल रहा है तो वो ये जो टैक्स मिल रहा है उन्हें एग्रीकल्चर में से, इट वॉज ओनली एंड ओनली ऑन दैट. एंड देर वेर इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाई द टू टेक्नोलॉजिकल, मतलब दो टेक्नोलॉजीज आई जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा था, लाइक आयरन टूल्स एंड पेडी ट्रांसप्लांटेशन. मूविंग टू द थर्ड वन, what do you know about the socio economic setup of during this period? to society jo thi wo varna system mein divide ho chuki thi, like brahmin kshatriya vaishyas and shudras. koi bhi no skill based hota tha, it just became hereditary ki agar koi brahmin matlab koi bhi मर्चेंट का बेटा है देन ही विल बी ओनली मर्चेंट. नॉट एवरी वन एक्सेप्टेड दी वर्ना सिस्टम, सब लोग वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट इट वॉज डेवलप्ड बाई दी ब्राह्मणास एंड प्रीस्ट. सब ऑब्जेक्ट्स अलॉटमेंट्स लाइक एन वर्ना बेस्ड में, जैसे कि आपका बर्थ हुआ सर्टेन कम्युनिटी के अंदर, एज एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स इंक्रीजेस देयर बाय सरप्लस, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा था. वाइल अ लार्ज पार्ट वेयर बीन कलेक्टेड टैक्स कलेक्ट करने में चला जाता था, सम ऑफ इट वेयर ऑन द ट्रेड्स विद द अदर कम्युनिटीज. बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन्स और क्राफ्ट पीपल्स जो बहुत दूर दूर तक जाते थे बाय मर्चेंट्स. मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे बाय देयर कार्ट्स और दे वुड सेल डाउन बाय द रिवर्स और सम सिटीज लाइक एन फॉर देयर जो सिटीज रिवर बैंक के आसपास होते थे, देयर वेर मोर यू कैन से ट्रेडिंग ओवर देयर एंड द ट्रेडिंग वॉज बीन डन बाय द मीडियम ऑफ द पंच्ड मार्क कॉइन्स. मूविंग टू द फोर्थ वन, डिस्कस द मगध एंड वाजी किंगडम्स. मगध जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास था. द किंगडम ऑफ द मगध विच वॉज बीन करस्पॉन्डेड बाई दी टू द प्रेजेंट डे बिहार, जो अभी बिहार है उसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल एडवांटेजेस है. लाइक सबसे पहला कि वो रिवर गंगा और उसके सन्स के पास है, मतलब उन्हें पानी मिल जाता है फॉर ड्रिंकिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. इट वॉज बीन रूल्ड बाई द वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु ऑफ हरियाणा डायनेस्टी. मगध का जो पावर था वो कंटिन्यू हुआ एंड इट एक्सपांडेड अंडर द शाही शुंगा एंड नंदा फैमिलीज. और वाजी की जब हम बात करें तो द रिपब्लिक ऑफ वाजी और वर्जी स्टेट हैड नो मोनार्च, उनका कोई मोनार्च नहीं था, कोई किंग नहीं था, बट एन असेंबली और यू कैन से गानर्स और संगार्स वेर रूलिंग दिस स्टेट. वो लोग असेंबली पूरी एक उसे रूल कर रही थी. द वाजंस इंक्लूडेड 8 कॉन्फेंड claims of whom the Lichivis and the Vedis, the Jankaris and the Vajis were the most important. उनके पास 8 claims थे और ये सारे उनके इंपॉर्टेंट थे. द लिचाविस रूल्ड ओवर द एरिया विच वॉर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5 एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. Thank you everyone and have a nice day.